सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए आज 2 साल हो गए हैं और आज जंतर मंतर पर उन्हें याद करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दुख भी है और नाराजगी भी है क्योंकि 2 साल बाद भी सुशांत, उनके फैंस और उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस वक्त मेरे साथ सुशांत के सबसे करीबी लोगों में से 2 लोग, उनकी बहनें मीतू जी और प्रियंका हमारे साथ हैं। मीतू जी और प्रियंका, 2 साल बहुत लंबा समय होता है इंसाफ के लिए और मुझे नहीं लगता कि शायद एक भी दिन ऐसा रहा होगा जब आपने अपने ब्रदर को याद न किया हो। आज 2 साल पूरा होने पर आप किस तरह से अपने भाई को याद कर रही हैं? मैं बात जांच क्या चल रही है इन सब में भी आपसे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले एक बहन के होने के नाते आप कैसे याद कर रही हैं अपने भाई को? जैसे कि आपने देखा कि हम बैठे हुए थे इस्कॉन के लोगों के साथ, भक्तों के साथ, और हरे रामा हरे कृष्णा का भजन कर रहे थे। इसके पीछे की बात यह है कि हमारे घर में ये ट्रेडिशन था कि ऑफ़ कोर्स ऑल द गॉड्स वर इम्पॉर्टेंट। महादेव का भक्त थे सुशांत, जैसा कि आप जानते हैं मेरे घर में बहुत महादेव की पूजा अर्चना होती थी, माँ शक्ति की होती थी, और कृष्ण भगवान का भी अपना एक बहुत अहम जगह थी। तो हम जब हमारे घर में पटना में लाइट चली जाती थी तो हमारा बेस्ट टाइम पास होता था कीर्तन करना, और यही हरे रामा हरे कृष्णा। तो वो भी पल था जब हम सारे बैठ के ये करते थे, और आज का ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो नहीं होगा और हम बैठ के ये कीर्तन कर रहे होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए कैसा समय है, मुश्किल समय है। ये इस तरह की भावनाएं जो हैं वो व्यक्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुश्किल समय है। अब हम बात करते हैं उस मुहिम की जिसमें रिपब्लिक भी साथ रहा है और देश के हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आपका परिवार जुड़ा हुआ है। 2 साल बाद भी 4-4 एजेंसियां इस मामले के अलग अलग एंगल से जाँच कर चुकी हैं। इंसाफ की इस मुहिम में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? आप एज अ फैमिली क्या मानते हैं? देखिए, पॉलिटिकली करेक्ट होकर अगर बोलूँ तो हम यही कह सकते हैं कि शायद वो वाटर टाइट केस बना रहे हैं जिस वजह से इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, दैट इज यू नो दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू बिलीव। रेस्ट यू आर फ्रॉम रिपब्लिक, यू वुड नो हाउ थिंग्स फंक्शन एंड व्हाट कैन बी द डायनामिक्स। आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट इट्स वेरी डिसहार्टनिंग दैट इट्स बीन 2 ईयर्स एंड वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम द एजेंसी, नॉट अ It's a deafening silence. Yes. तो निराशा आप पे है कि CBI जो कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी है, आपकी क्या मांग रही है? क्या आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई कोशिश की? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे फैंस हैं वो कहते हैं कि हमारे पास सबूत है, हम दे सकते हैं, तो एजेंसीज क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? क्या आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की है पता करने की कि 2 साल में हो क्या रहा है? सी, अगर आप देखें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली, दे हैव गॉट एवरीथिंग पॉसिबल, बी इट एनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड ऑल काइंड ऑफ एविडेंस। सो वेन आप जब ये पूछ रहे हैं क्या क्या हमने कुछ बताया है, ऑफ कोर्स वी वर द फर्स्ट वन, यू नो, इवन एवरी डायनामिक्स, इवन यू नो मंथ्स प्रीसीडिंग दैट अनफॉर्चुनेट एंड दैट मिस्टीरियस इंसिडेंट, डायबॉलिकल इंसिडेंट, सो वी हैव टोल्ड, वी हैव मेड इट नोन टू CBI on the very first go, that's what investigation is. So I don't think anything has been left. And as and when उन्होंने पहले भी हमें ये बोला था कि आपके जानकारी में कुछ ऐसी बातें आती हों, जब भी आती हों तो हमसे साझा ज़रूर करेंगे, और ये प्रक्रिया चल रही है, बट काफ़ी दिन तक चली। जो भी चीज़ हमें छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी चीज़ जो भी हमारे सामने में आया, वी हैव बीन लाइक शेयरिंग विद दैम, एंड सो आई वुडन्ट, एंड ऑफ कोर्स देयर सो मेनी फैंस ऑफ सुशांत, एडमायरर्स ऑफ सुशांत, द पब्लिक हु आर connected with his emotion, I'm sure everybody has found, and you have seen on social media, on Twitter, everybody knows things have been put out very clearly out there, and one has to connect the dots. There's nothing that is, you know, missing here, by the way. So even I have heard even all the fans, all the people who are connected with this justice movement have made it known to the agency, be it CBI or any other agency. So yes, I think by now they have everything in their knowledge.
इस मामले में शुरू में जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने लीपापोती की, उसमें चाहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हो, परमबीर सिंह हो, सचिन वाजे हो, या फिर उस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, तीनों के तीनों अलग अलग मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं। आपको लगता है कि अब ये ज्यादा आसान है सीबीआई के लिए कि उन तीनों से एसएसआर के केस को लेकर भी पूछताछ हो और इस केस को आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है एंड दिस इज एनीबडीज गेस दैट पीपल हु वर एट द हेम ऑफ यू नो द होल इन्वेस्टिगेशन एट दैट टाइम एज यू सेड यू नेम देम दे अपार्ट फ्रॉम द सेम स्टेट वी आर टॉकिंग अबाउट सो व्हेन दे आर ऑलरेडी इन कस्टडी इट्स ऑल द मोर इजी फॉर द सीबीआई टू गेट टू द बॉटम ऑफ द थिंग एंड डेफिनेटली सो दे मस्ट एंड वी हैव आस्क्ड देम टू डू सो टू So, अब जो फैंस हैं और जो यहाँ कुछ लोग यहाँ हैं, हजारों लाखों फैंस हैं जो अपने अपने स्तर पर आज फिर से सुशांत को याद कर रहे हैं। यूं तो लगातार हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हर दूसरे तीसरे दिन सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड कर रहे होते हैं, उनके लिए आप उन्हें किस तरह से भरोसा दिलाएंगे एक फैमिली के तौर पर कि इंसाफ मिलेगा? क्योंकि आपको भी ये भरोसा चाहिए, आपको आपके साथ भी उम्मीद जुड़ी हुई है कि एक न एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। ये एक बड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि you know we are seeing us they are gaining energy or rather they know there's somebody fighting for justice and seeing them we have this confidence that yeah there is a demand from the public at large globally and for the relentlessly for last 2 years I don't think I've ever heard I'm otherwise very aware a person I think this is one such case which will go down in history in so many ways as a unique one and this is one very unique factor of this movement that relentlessly for 2 years people are demanding justice. He trends on Twitter every day and that's not that it is like you know and one can do a research on that and I'm sure everything is out there. He trends every day, every 14th of every month people across the globe they come together to just you know commemorate the whole you know fiasco that happened on June 14th. So we are gaining energy from them and I'm sure they also have us as a support, but no, we cannot do nothing until unless the government wakes up, the agencies wake up. What hope do we have? And of course Republic has been part of this movement for a long time and I would still appeal that yeah, this is the time when it's needed the most, that the fourth pillar of democracy comes out again and asks what happened and why is a hush hush affair despite being one of the most talked about incident when it happened and the way it happened. So I want the fourth pillar of democracy to participate with us and make sure that the government and the agency deem it fit to be important enough that they come out with the result with the charge sheet as soon as possible. Thank you. I think I'm bahut bahut shukriya aapka. मीतू और प्रियंका, आज बहुत ही इमोशनल दिन है उनके लिए क्योंकि वो अपने भाई को यूं तो रोज़ याद करती ही हैं, लेकिन आज ही का दिन ऐसा दिन था जिसने उनका भाई उनसे छीन लिया और उन्हें निराशा इस बात की है कि अभी तक उनके भाई को, उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। वो आज तक ये राज नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कौन लोग थे जिनकी वजह से उनके भाई की यानी सुशांत सिंह, जो कि करोड़ों लोग जिन्हें चाहते थे उनकी जान चली गई, कौन लोग इस हत्याकांड के पीछे थे या किन परिस्थितियों में सुशांत की जान गई। सीबीआई से अब वो गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएं और जो भी गुनहगार हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए।